हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में इम्पॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग के साथ में। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा हैंडलिंग में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फार्मूलाज हैं या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है डेटा, क्या होता है डेटा। होता है ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कोई भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए क्वान्टिटीज कॉल्ड डेटा। कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्स हैं, क्वान्टिटीज़ है, उसका कोई एक ऑर्गेनाइज वे या एक कलेक्शन को क्या कहते हैं, डेटा कहलाता है। अब ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दो टाइप के होते हैं। अगर अनऑर्गेनाइज डेटा है आपके पास तो उसे कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, डेटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन ए अनऑर्गेनाइज फॉर्म। ठीक है, अब इसमें फीचर्स ऑफ डेटा हैं, कुछ फीचर्स हैं उनके। सबसे पहले अरेंजिंग डेटा, आप जो डेटा है उसको अरेंजिंग डेटा इन एन ऑर्डर टू स्टडी दियर सेलेंड एंड फीचर्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, आपका क्या है, डेटा को अरेंज करना और इसको स्टडी करना, उसके फीचर्स की, उसका उसको प्रेजेंट प्रेजेंट करना, ये आपका जो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाता है। अब कोई भी डेटा है, दूसरी चीज़ है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अकर। कोई भी पर्टिकुलर एंट्री कितने नंबर ऑफ टाइम अकर हो रही है, आ रही है, रिपीट हो रही है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, फिर अब नेक्स्ट क्या है, टेबल दैट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जिस जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को जिस टेबल में हम शो करते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए टेबल दैट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वैल्यूज इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दोनों एक चीज़ होती हैं, ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप्स हैं उनको जो हम शो करते हैं ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी में शो करते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, द ग्रुपिंग यूज टू ग्रुप दैट वैल्यूज इन द गिवन डेटा आर कॉल्ड क्लासेस। जो डेटा को जिस ग्रुप में हम यूज करते हैं ग्रुपिंग करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, क्लासेस कहलाते हैं। ठीक, वो आपकी क्या होती हैं, क्लासेस होता है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट ईच क्लास कंटेन इज कॉल्ड दैट क्लास साइज। वो क्या बोले, जो हमारे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम जो यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज यूज़ करते हैं उस शो करने के लिए, उसकी विथ, उसका साइज, वो हम उसका होता है, हमारा विथ और साइज होता है। उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसे को लोअर लोअर क्लास लिमिट कहती हैं। लोअर वैल्यू जो होती है, जो अपर वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट। ठीक, द कॉमन ऑब्जर्वेशन विल बी द अलॉन्ग द हाइयर डेटा। जो आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है वो कहाँ बिलोंग करती है, हाइयर क्लासेस में। ठीक, नेक्स्ट हमारे कुछ टाइप के ग्राफ हैं, जैसे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, ए बार ग्राफ इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच ए रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। ऑन वन एक्सिस यूजली द एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज शोन, ऑन अदर एक्सिस दैट इज द वाई एक्सिस। अब क्या है, यहाँ पे आपका ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होती है। ठीक, और बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है, वैल्यूज को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आपकी जैसे ये मंथ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मंथ है, इनको इनको एक्स एक्सिस पे दिया गया है और इसकी वैल्यूज हैं, दिसंबर में कितना है, 2 है, और हमारा जनवरी में कितना है, उसका डेटा जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको वाई एक्सिस पर शो किया गया है, और इनके बीच में जो स्पेस दिया गया है वो इक्वल स्पेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग जो इन बार्स के बीच में स्पेस दिया गया है वो इक्वल स्पेस दिया गया है, इसे कहते हैं हमारा बार ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ जो आपका है वो है आपका हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम का तो इसमें और बार ग्राफ में बस इतना ही फर्क होता है कि इनके बीच में स्पेस नहीं दिया होता है। अब वहाँ पे हर बार के बीच में स्पेस था, यहाँ पे हर बार के बीच में स्पेस नहीं होता है, एक दूसरे से ये ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, और ये हिस्टोग्राम हो जाता है। ठीक, तो अपने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस बस इतना ही है
कि वहाँ पे स्पेस दिया जाता है, इक्वल स्पेस होता है, और यहाँ पे स्पेस नहीं दिया होता है, ठीक है। तो ये जो डिफिनेशन है हिस्टोग्राम की, सेम उसी टाइप की डिफिनेशन है, और यहाँ पे क्या है, स्पेस हटा दिया गया है। तो ग्रुप डेटा कैन बी रिप्रेजेंटिंग यूजिंग द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ बार ग्राफ, ठीक है ना, टाइप ऑफ बार ग्राफ वेयर द क्लास इंटरवल आर सोन ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस एंड द हाइट ऑफ द बार सोन इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ऑल्सो देर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एज देर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल, ठीक है, न बार्स के बीच में होता है ना क्लास इंटरवल के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक, वही चीज़ है सेम। नेक्स्ट आपका क्या है, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ क्या होता है, इसमें ये एक सर्कल के अंदर उसके पार्ट्स को डिवाइड किए जाते हैं, पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद में जो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितने पार्ट में परसेंटेज में या वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरली परसेंटेज में यूज़ किया जाता है। जैसे ये पूरा एक 100% है, जिसमें फूड का हमारा 25% है, क्लॉथेस का 10% है, सेविंग्स 15% है, अदर्स हमारा 29%, ट्रांसपोर्ट 5%, हाउस रेंट 16%, एजुकेशन 15%। ये टोटल कितना एक्सपेंडिचर है, कितना खर्च है, उसका एक ग्राफ बनाया गया। तो ए सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स। पूरे होल और इट्स पार्ट में हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप शो किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन और हमारा डेटा हैंडलिंग का पार्ट था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपसे पूछे जाते हैं हर जल्द, लगभग जितने भी हमने टेस्ट लिए हैं, इससे एक दो क्वेश्चन फ्रिक्वेंसी या विथ इन पे इंटरवल में पूछे गए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।